सो हे वेलकम बैक टू चैनल हेरन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम आसिफ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज के इस एक्साइटिंग वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 3 iOS थीम्स जो आप अपनी कोई भी शॉमी के डिवाइस में इस वीक के लिए ट्राई कर सकते हो। और मुझे जरूर से अपनी ओपिनियन बताएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू। तो बिना टाइम के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी थीम्स यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो कि ऑफिशियली थीम है, कोई थर्ड पार्टी थीम नहीं है। तो पहला आप थीम देख सकते हो यहाँ पर iOS 11TT, यहाँ पर देख सकते हो 11.4TT यहाँ पर वर्जन भी लिखा है। और यहाँ पर पहले आप बढ़ते हैं लॉकिंग तरफ और सारे के सारे लिंक जो आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर पहले लॉकिंग देख सकते हो कुछ इस तरह से iOS का पूरा रिलेट करता है। और यहाँ पर देख सकते हो नोटिफिकेशन टॉगल बार मिलता है और जो कि अच्छी बात है यहाँ पर वर्क भी करता है। कई सारे थीम्स होते हैं वहाँ पर वर्क नहीं करता है, तो यहाँ पर देख सकते हो वर्क भी कर लेता है इजीली। और यहाँ पर 3D वॉलपेपर मिलता है जहाँ पर आप अंदर जाकर ग्रेविटी वॉलपेपर को एनेबल कर सकते हो। उसके बाद जब आपका वॉलपेपर जब भी आप अपने डिवाइस को एज यूजुअल ग्रेविटी के थ्रू अलॉन्ग शेक करते हो तो उसके हिसाब से वो भी आपको एक अच्छा सा एनिमेशन दे देगा वॉलपेपर पर आप जो भी सेट करते हो। तो यहाँ पर बात करो इसके एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर जो चार्जिंग का जो आइकॉन आपको मिलता है वो आप सेटअप कर सकते हो। जब भी आप चार्जिंग लगाओगे तो वहाँ पर आपको एक चार्जिंग बैटरी बार आ जाएगा विथ आपको एक नया स्मार्टफोन का आइकॉन मिलेगा जो आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपको सेट करना है 1+6 या फिर कह सकते हैं मी मिक्स आप कोई भी सेट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो आप बढ़ते हैं इसके होम स्क्रीन तरफ, यहाँ पर देख सकते हो वहाँ पर आपको फुल iOS 11 या फिर 12 से रिलेट मिलता है। और यहाँ पर सेटिंग्स भी आपको सिमिलरिटी मिलती है और थोड़े एनिमेशन देखने को मिलते हैं जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगे। आपको कैसे लगे मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन के थ्रू अपना ओपिनियन बताइएगा। तो बढ़ते हैं हमारे रिलीज के सेकंड थीम की तरफ और इस थीम का लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा जिसका नाम है iOS i11TT जो कि एक डार्क थीम है यूजुअली। तो यहाँ पर आईफोन को रिलेट करता है क्योंकि यहाँ पर मुझे इसमें जो मेन पार्ट लगी वो है इसका फोल्डर बैकग्राउंड जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अट्रैक्टिव, क्योंकि मैंने होम स्क्रीन पर ही एक ही होम स्क्रीन पर जो है सारे के सारे आइकॉन सेटअप कर दिए हैं जो कि यहाँ पर देख सकते हो मेरे सारे आइकॉन जो एक ही होम स्क्रीन पर आते हैं। और मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव फील करता है इस फोल्डर के साथ जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है इस थीम का। और मैं आपको देख सकते हो यहाँ पर सेटिंग्स भी आप iOS का आपको लोगो मिल जाता है MIUI 9 के बदले में। तो यहाँ पर फोन डायलर भी आपको सेम मिलता है और लॉकिंग भी आपको सिमिलरिटी मिलती है iOS 11 के जैसे ना कि 12 के जैसे। होप करते हैं कि फ्यूचर में इसका थीम का भी अपडेट आ जाए और आपको अच्छा सा आपको आईफोन iOS 12 का भी आपको नोटिफिकेशन बार इजीली मिल जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ को स्लाइड अप करने का ऑप्शन मिलता है और साथ ही साथ आपको थोड़े से टॉगल्स वर्क करते हैं, थोड़े से नहीं करते हैं जो वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं टॉर्च वर्क कर रहा है, कैलकुलेटर वर्क कर रहा है। और यहाँ पर आपको बात करूँ तो इसका स्टेटस बार जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इसका स्टेटस बार जो कंप्लीटली रिलेट करता है एंड्रॉइड पी के साथ, क्योंकि मुझे बेस्ट पार्ट लगा क्योंकि आप देख सकते हो सारे जो आइकॉन्स यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं फुल आइकॉन एंड्रॉइड पी के साथ रिलेट कर रहे हैं। क्योंकि मुझे सेकंड पार्ट जो इसके थीम के बेस्ट पार्ट लगा वो सेकंड तो ये था। तो फर्स्ट तो मुझे बैकग्राउंड लगा फोल्डर बैकग्राउंड, सेकंड जो स्टेटस बार लगा। तो मुझे जरूर से अपना ओपिनियन बताएगा इस थीम के साथ। इस थीम का लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो और ये भी ऑफिशियल थीम है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो और अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के लास्ट एप्लीकेशन की तरफ जो लास्ट थीम की तरफ जो कि नाम है iOS X11TT, तो यहाँ पर इसका लिंक जो आप नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। इस थीम का खास बात यह है कि यहाँ पर आपको इसके जो रिसेंट कार्ड्स हैं जो कि बहुत ही बड़े मिल जाते हैं और इसका स्टेटस बार भी बहुत ही अट्रैक्टिव मिलता है और इसका लॉक्स भी आपको रिलेट करता है आईफोन 11 के साथ, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप मुझे पूछोगे तो कौन सा थीम चूज़ करने के लिए, तो मैं डेफिनेटली सेकंड थीम को चूज़ करूँगा जो कि डार्क थीम है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मुझे पसंद आता है फोल्डर बैकग्राउंड और इसका स्टेटस बार। तो यहाँ पर आप सेटिंग्स में यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो है UI कैसा मिलता है, सिमिलरिटीज़ मिलती है सारे फोन डायलर हो गया, आपका जो मैसेजिंग हो गया। और यहाँ पर आपको लॉकिंग के बारे में बात करें तो लॉकिंग भी कुछ इस तरह से मिलता है। और यहाँ पर स्टेटस बार की बात करें जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगा, यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी आपको एंड्रॉइड पी के जैसे आपको फुल आपको एंड्रॉइड पी का आपको एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आपको शेयर करना है आईफोन के साथ, आपको एक्सपीरियंस करना है आईफोन के साथ आपको एंड्रॉइड, तो आप जरूर से इस थीम के लिए ट्राई कर सकते हो और मुझे अपना ओपिनियन जरूर से कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइएगा। तो होप करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इसे इंटरेस्टिंग और भी थीम्स लाते रहेंगे। तो अगर आप हमारी पहली वीडियोज़ नहीं देखें, हम बहुत सारे और भी थीम्स के ऊपर वीडियोज़ बना रखें, तो अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख सकते हो, लिंक इज द डिस्क्रिप्शन। तो मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंजॉय द थीम्स। अल्लाह हाफिज़।